तो दोस्तों आगे हमारा वापस है मेकिंग ऑफ कॉफी क्वेश्चन पार्ट टू। क्या ये पार्ट टू? इसके पहले हमने बनाया था मेकिंग ऑफ कॉफी क्वेश्चन पार्ट वन बनाया था, जो मैंने एक नोटबुक के अंदर मैंने बनाया था। अभी मैं ये मेकिंग ऑफ कॉफी क्वेश्चन पार्ट टू बना रहा हूँ, और ये पार्ट टू में आपको मैं जो पार्ट वन जहां मैंने खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू चालू करने वाला पार्ट टू। तो दोस्तों देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉफी क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए सीड्स अलॉटेड प्रोपोर्शनल टू ईच वर्स रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:1,000,000। जैसे कि दोस्तों भी जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये पीपल्स को सीट मिला, अब वो सीट किस बेस पे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देखना। सो क्या कहा गया है कि 1:1,000,000 यानी कि 1,000,000 में 1,000,000 जिसकी पॉपुलेशन रहेगी तो 1,000,000 पर 1 सीट मिलेगा। जैसे दोस्तों बोलते हैं कि 1,000,000 यानी कितना होता है, 10,00,000 होता है। तो 10 लोगों की आबादी पर एक सीट दी जाएगी। जैसे मान लो हिंदू, अगर हिंदुओं की 10,00,000 की आबादी है तो 10,00,000 की आबादी पर एक सीट दी जाएगी, 1 सीट। अगर जैसे मान लो कि हिंदुओं की 30,00,000 की आबादी है यानी कि 30,00,000 यानी कि 3,000,000, तो 3,000,000 में क्या मिलेगा, 3 सीट मिलेगा। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीट किस बेस पर दिया जा रहा था, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि 10,000,000 पर एक सीट दी जाएगी। तो ये इस तरीके से था सीट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। अभी सीट्स किसके, अभी हमारे कंट्री में सीट्स किन किन के बीच में किसको किसको सीट्स दिया गया था, तो एक थे मुस्लिम्स को सीट दिया गया था, सिख्स को सीट दिया गया था और जनरल्स को दिया गया था। अब मुस्लिम तो पता है इस्लाम धर्म को मानने वाले को मुस्लिम कहते हैं, और सिखिज्म पता है पंजाबी, एंड जनरल भी कहते हैं हम हिंदुज्म को बोलते हैं जनरल। तो मुस्लिम सिख्स एंड जनरल्स के बीच में सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसको। अब आगे देखते हैं इट टुक 2 years, 11 months and 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल कितना समय लगा था, पूरा गया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बन करके तैयार होने में कितना समय लग गया था, 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था पूरा। अब आगे देखते हैं सम फंक्शंस परफॉर्म बाय सीए। सीए यानी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है सीए। अभी द्वारा किए गए थे वो फंक्शन कौन से जैसे नेशनल फ्लैग। अभी नेशनल फ्लैग कभी किया कहा कि नेशनल फ्लैग, जैसे कि बताया गया था कि नेशनल फ्लैग अभी आज के डेट में हमारा जो तिरंगा है, जो नेशनल फ्लैग है उसको कभी स्टार्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये सीए द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा किया गया था। और यहाँ देखिए नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का जो एक कॉमन बात है कि दोनों एक ही दिन पर 24 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग कभी लागू किया गया था, 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 दोनों भी एक ही दिन को लागू किया गया था। अब देखते हैं हम आगे कि ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड पास। कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था कि अब वो बन गया, मतलब बन के रेडी हो गया, ये डिक्लेयर किया गया। पर तो फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन चलता रहता है कि फिर 26 जनवरी 1950 क्या है, क्योंकि सबके मन में ये होता है जब कोई बोलता है कि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, कोई बोलता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, पर 26 नवंबर 1949 को यानी 26 नवंबर 1949 को उसको डिक्लेयर किया गया कि ये बन गया, अब यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पर उसको लागू कभी किया गया था, मतलब उसको स्टार्ट कभी किया गया, तो स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950। आज हम जो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं वो यही 26 जनवरी का दिन था कि जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, समझे। अब आगे देखते हैं लास्ट सेशंस ऑफ असेंबली। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे लास्ट सेशन था वो कभी था,
24 जनवरी 1950 24th of January 1950 को इसका लास्ट सेशन हुआ था। और दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर पूरे कितने खर्च लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कितना खर्च आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो 63,96,729 रुपीस में। और इतना पैसा क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों हमने हमारे देश को कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो हमने अलग अलग देशों का कॉन्स्टिट्यूशन मंगाया, उनको रीड किया, उनको पढ़ा, और जो अलग अलग देश से कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए उनको लाने में पैसे बहुत लगे, और इतने लोगों ने मिलकर इसको बनाया तो इसमें खर्चा बहुत गया। तो दोस्तों इसलिए पूरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 63,96,729 रुपीज। देखिए यहाँ पे 63,96,729 रुपीज टोटल लगा हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो दोस्तों अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।